अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वो एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। मैं वीडियो शुरू करता हूँ और जैद बोलता है मुझे भी आना है। जैद इज माई स्टार, बेसिकली ही इज द सुपर स्टार। यस जैद, यस हम लोग बैठे हैं इस वीडियो में। यस तो हम लोगों ने आज जो बात करनी थी वो ये करनी थी। जैद बताओ ना। हाँ यस, वो तो देखो वीडियो बन रही है। हाँ वीडियो बन रही है ना। हाँ प्लीज ना, प्लीज ना, प्लीज ना आओ। अच्छा इधर आओ, इस तरफ आ जाओ। चलो यस, नहीं बैठ नहीं सकते, खड़े होकर बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि बिजनेस इज बेटर देन द जॉब दैट वी ऑल डू। इवन मैं भी जॉब करता हूँ, मैं अभी तक बिजनेस नहीं करता कोई, लेकिन बिजनेस इज फार मोर बेटर। उसके दो वजह हैं बेसिकली। एक वजह तो ये है कि आपकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी इनकम बाउंड नहीं होती किसी भी चीज़ से, अगर आप जॉब कर रहे होते हैं ना कि आप बिजनेस कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने कामयाब लोग हैं या जितने भी लोग हैं, अक्सर लोग जो अपने आप को बहुत ही ईजीली मैनेज कर रहे होते हैं, वो एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे होते हैं। तो बिजनेस करना इज फार मोर बेटर देन जॉब डूइंग। अच्छा काफ़ी अच्छा। दूसरी जो वजह है, दूसरी वजह ये होती है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, जब आप जॉब कर रहे होते हैं बेसिकली, तो आप दूसरे का ड्रीम पूरा कर रहे होते हैं। यू आर फुलफिलिंग अनदर ड्रीम, क्योंकि दूसरे आदमी ने आपको उसका ख्वाब पूरा करने के लिए रखा है। तो आपने जॉब करनी है तो आप जॉब करते रहें। बट देन बहुत कम लोग होते हैं जो कि जॉब के वजह से सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर एक अच्छा अपने आप को या अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो चाहे आप छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक अच्छा फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकते हैं, सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी अच्छी जो एग्जांपल्स हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग हैं, और कोई ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है आजकल के ज़माने में। पहले होता था कि भाई आपको बिजनेस सेट करना है तो आपने एक दुकान किराए पर लेनी है, आपने एक सामान खरीदना शुरू करना है, आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन आजकल के ज़माने में बिजनेस करना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको एक 1200 रुपए की वेबसाइट लेनी है, यस एक ऑनलाइन वेबसाइट, और आपने एक वेबसाइट बनाने के लिए किसी भी वेबसाइट बिल्डर से, यानी जो ऑनलाइन है, तो बहुत ही आसान काम है, आपका सस्ते में काम हो जाएगा और आप अपनी वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। अब मैं ऑनलाइन के लिए बहुत लोगों को बोलता हूँ कि भाई ऑनलाइन बिजनेस करो, ऑनलाइन बिजनेस करो, क्योंकि वाकई एक ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही आसान तरीका है फौरन से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बहुत ही जल्दी बड़ा करने के लिए। अब ऑनलाइन बिजनेस आपने करना है तो आप बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकते हैं, चीज़ें लें और चीज़ें बेचें। आप सर्विसेज का बिजनेस कर सकते हैं कि दूसरे लोगों की सर्विस आप लें और फिर आगे उसको बेचें, या फिर आप किसी भी किस्म का डिफरेंट वेबसाइट खोलें जाके, जो कि आप जैसे शादी के लिए होता है, लोग रिश्ते वो कराते हैं, नोट कराते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आपने एक वेबसाइट खोल ली, आपने एक स्टोर बना लिया और आपने चीज़ें ली, अब आप सोच रहे होंगे भाई कि दुकान लेनी थी तो हमने चलो स्टोर ऑनलाइन ख़रीद लिया, 1200 रुपये में छूट गए, पर सामान तो लाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सामान आपको कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। आजकल के ज़माने में पूरी दुनिया में हर कोई एक ही मॉडल यूज़ करता है, वो है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये होती है कि जैसे ही आपके पास आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर आएगा, तब जाके आप वो सामान खरीदेंगे और आप वो सामान खरीद के जो जिसने आपसे वो सामान खरीदा है, आप उसको वो सामान दे देंगे। उससे क्या हुआ कि आपके पास जो स्टॉक था, जो इन्वेंट्री था, वो बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली चीज़ तो आपकी ये बच गई। दूसरी चीज़ जो आपकी ये बच गई वो ये था कि आप मल्टीपल और थाउजेंड्स ऑफ SKUs या आइटम्स रख सकते हैं और बेच सकते हैं बगैर किसी भी इन्वेंट्री के। उसके लिए आपको बहुत ही आसान तरीका ये है कि जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से आपने एक अच्छा सा एग्रीमेंट करना है, एक रिलेशनशिप रखना है, जिससे आप उनसे उनके प्रोडक्ट की प्राइस ले लें, उनकी रिटेल प्राइस ले लें और उनकी मार्केट प्राइस ले लेंगे वो कितने में बिक रहा है, और उनसे एक नेट मार्जिन तय कर लें कि आपको कितने में मिलेगा। अब सिंपल सी मैथ है, अगर आपको एक चीज़ 100 रुपये की बेचनी है, आपको अगर वो चीज़ 70 रुपये की मिल रही है, तो आपको 30 रुपये प्रॉफिट हो गया। इसी तरह अगर आपको 10,000 की कोई चीज़ है
और आपको अगर वो 7,000 में मिल रही है तो आपका 3,000 प्रॉफिट हो गया। अब ऑनलाइन स्टोर में ये है कि ऑनलाइन स्टोर जैसे आप बनाते हैं, आपके पास कस्टमर आना शुरू नहीं होता, तो आपको उसको मार्केट करना पड़ता है। मार्केट करने के लिए आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, गूगल यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप एक शख्स को नौकरी पे रखेंगे, यस, आपका बिजनेस रन करने के लिए, सर्विस को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए, तो भी बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि जैसे ही लोग आपका देखेंगे कि आपका ऑनलाइन स्टोर है, आपकी वेबसाइट है, आप ही सर्विसेज देते हैं, अगर आपके पास बहुत ही यूनिक सर्विसेज हैं, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो लोग आएंगे आपके पास। और लिटरली आप जब शुरू करें, प्रोडक्ट चूज करें, क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट से रिस्क ले सकते हैं, यानी आप उसको अपने स्टोर पे लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है जिससे आप करना है। तो मैं इससे पहले कि जैद मुझे बहुत ज़्यादा तंग करें और वो करें कि जैद ने पहले बोल दिया बंद करना है हमें, यस, तो हम जाने वाले हैं। तो ये ऑनलाइन बिजनेस ज़रूर आप लोग ट्राई करें, बहुत अच्छा है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो daraz.pk पे अपना अकाउंट बनाएं और उस पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप दुबई में हैं तो अमेज़ॉन पे, नून पे आप अपना अकाउंट बनाएं और आप अपना वेब बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही फास्ट है। ऑन दी अदर साइड आपको अगर इन दोनों से नहीं करना तो आपको एक थोड़ा सा लंबा रास्ता लेना है, तो लंबा रास्ता ये है कि आप एक डोमेन बुक करें, डोमेन लें और एक वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट बना के फिर आप उस पर अपने प्रोडक्ट लगाएं और फिर आप उसे बेचना शुरू करें। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में सिंपल सा फ़र्क ये है कि जब आप स्टोर बनाते हैं अपना, तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा आपके पास आता है। लेकिन अगर आप दराज, नून या अमेज़ॉन के थ्रू अपने आप बिजनेस करते हैं, तो ये एक थोड़ा सा पार्ट कमीशन जिसे कहते हैं वो इनको जाता है, जो ये लोग मार्केटिंग करने में हेल्प करते हैं आपकी। तो ये आसान सा तरीका है बिजनेस सेट करें। जॉब करते रहेंगे तो करते रहेंगे सारी जिंदगी, लेकिन बिजनेस शुरू करना है, मैं भी सोच रहा हूँ बहुत दिनों से, लेकिन करा नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों। सो यस, या ओके ओके, अब जाएं, बाय, चलो हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय, सी यू।